हम लोगों को टेस्ट देने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। जेएनके गवर्नमेंट एक तो यहाँ पे पहले सीट्स नहीं निकालती है, जब निकली हैं तो नेट बंद कर दिया हुआ है। तो सर आप बताइए हम कहाँ से स्टडीज़ करें, हमें स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। 170 डेज बहुत होते हैं सर स्टूडेंट्स के लिए, और हमने कोई मॉक टेस्ट नहीं वगैरह प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है अवेलेबल। तो नेट से अभी हमने इनके एब्रोगेशन 370 आर्टिकल पे फुल सपोर्ट किया इनको, पर इन्होंने जम्मू वालों के लिए कुछ किया नहीं है खास। तो बैंकिंग वगैरह 2-3 महीने हमारे पिछले ऐसे गए हैं जिसमें इतनी बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ आई हैं, बट हमें विदाउट इंटरनेट हमें कुछ उसका टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत सारी हम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारे वो नोटिफिकेशन ये वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके लिए हमें कैफे वगैरह जाना पड़ता है ये वो, और सारे वाईफाई अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रॉडबैंड घर पे। हमारे जो टेस्ट वगैरह हैं मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमें बस यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी नेट की सेवाएं दी जाए। नेट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया हुआ अब तो, सरकार भी जो है वाईफाई इतने प्रोवाइड कर नहीं पा रही है। वाईफाई आप लेने जाएंगे तो वहाँ 7 से 8 महीने की वेटिंग बता रहे हैं वो, तो सारे वाईफाई तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो सरकार को चाहिए कि इंटरनेट सर्विस जल्दी जल्दी रिज्यूम किए जाएँ, ताकि हम लोग बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, जो हमारी भी ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस हो पाए और हम भी मेरिट में आ पाएँ। इंटरनेट सेवा बहाल की जाए, इंटरनेट सेवा बहाल की जाए, डिजिटल इंडिया हाय हाय, इंटरनेट सेवा बहाल की जाए।